हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आपके लिए डबल डेकर डॉल केक की वीडियो लेके आई हूँ। गाइस, इस केक को रेडी करने में मुझे 2 दिन का समय लग गया। ये वीडियो 5 मिनट्स की भले ही हो, पर इस केक को बनाने में बहुत टाइम लगा है। ये एडिटिंग करके 5 मिनट्स की बनी है। यहाँ पे मैंने अपने स्पंज की आइसिंग कर ली है। आइसिंग की अलग से वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं अपने हर वीडियो में बेस बना के और आइसिंग करके इसलिए नहीं दिखाती हूँ कि आपका कीमती वक्त ना बर्बाद हो। हर वीडियो में वही रिपीट होगा, इससे अच्छा मैंने अलग से वीडियो डाल दी है इसकी। मैंने टूथपिक की हेल्प से निशान पहले से लगा लिया है और अब इस पर लाइन बनाते चले जाना है। केक की आइसिंग करके मैंने इसको 3 से 4 घंटा अपने फ्रिज में रख लिया था, क्योंकि इसके ऊपर हम डॉल को पेस्ट करेंगे तो इसको अच्छे से सेट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये टूट सकता है। और अब बहुत ध्यान से अपने डॉल को इसके ऊपर रख देना है। आज जो मैं डॉल के ऊपर अपना डिज़ाइन बना रही हूँ, ये इस नोज़ल का नंबर तो नहीं है, मगर इसी से मैं अपना रोज़ भी बनाती हूँ। और ये बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करते चले जाएंगे तो ये डॉल का ड्रेस रेडी हो जाएगा। और मैंने डॉल के बेस में बहुत ज़्यादा क्रीम नहीं लगाया है, क्योंकि बाहर की जो इनकी ड्रेस है वो सारी क्रीम से ही बनेगी, तो इसलिए मैंने उसको बस थोड़ा सा क्रीम से कोट किया है। डॉल को पर्पल और वाइट के कॉम्बिनेशन में बनाना था, तो इस वजह से मुझे अपना पाइपिंग बैग बार बार चेंज करना पड़ रहा था। और नोज़ल एक ही नोज़ल है जिससे हमने पूरे ड्रेस को बनाया है, तो चेंज करना पड़ रहा था। पर कोई बात नहीं, कस्टमर का यही डिमांड था, उनको इसी तरह से चाहिए था, तो मैंने कोशिश करी है कि जैसा उनको चाहिए वैसा ही बना के दूँ। ये डिज़ाइन इजी है, आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो एक पाइपिंग बैग में भर के अपने नोज़ल को थोड़ा सा किसी प्लेट वगैरह में प्रैक्टिस कर लें तो वैसे कर लेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और इसी तरह से हमें अपने डॉल की पूरी ड्रेस रेडी करनी है, वाइट और पर्पल के कॉम्बिनेशन में। उसी पर्पल कलर से मैं इसका बॉर्डर बना लूँगी। ये छोटा सा स्टार नोज़ल है जिसको मैंने पाइपिंग बैग में भर के इस तरह से टैप करते जाना है, तो इसका बॉर्डर बन जाएगा। बॉर्डर बनाना बहुत ज़रूरी है, इससे ये बेकरी स्टाइल पूरा लुक हो जाता है और इसका लुक काफ़ी रिच हो जाता है केक का, तो बॉर्डर ज़रूर से बनाइए अपने केक का। अगर डॉल की बाल खुली रहेगी तो उसका थोड़ा बहुत बाल हमारे केक में गिर सकता है, तो रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैंने डॉल के बाल को पहले से सेट कर दिया था। और डॉल को फ्रिज में ही रखा था, क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिश का समय चल रहा है, तो डॉल अगर नॉर्मल रही तो हमारा क्रीम जो है मेल्ट हो सकता है, तो डॉल को साफ़ करके फ्रिज में पहले से रखते हैं। ये डॉल का टॉप मैं एक छोटा सा स्टार नोज़ल से रेडी कर रही हूँ, और ये मैंने वाइट कलर का बनाया है। और आप देखिए, ये पूरा केक रेडी होने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगा। और ये 4 kg का केक था, मतलब ये 8 पाउंड का केक है, तो ये काफ़ी हैवी है केक, तो इसलिए मुझे इसको रेडी करने में 2 दिन का टाइम लग गया। और काफ़ी मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है। और आप लोग प्लीज़ लाइक कर दें मेरे वीडियो को, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही अलग अलग तरह की केक की वीडियो लेके आती हूँ, तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मैंने 2 रोज़ बना के रखा था साइड में लगाने के लिए, और जगह नहीं बची, नहीं तो और रोज़ लगाने थे इसमें। मैंने सोचा था रेड कलर का रोज़ भी लगाऊंगी, पर ये अभी पूरा अभी बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो मैं 2 रोज़ लगा के ही छोड़ दूंगी। और नाम मैंने फोंडेंट के सीट पे लिख के रखा था पहले से, और थोड़ा सा रेड कलर के फोंडेंट से मैंने डॉल की बैंगल और नेकलेस बना लिया, इससे और खूबसूरत हो जाती हैं डॉल। और ये एडिबल बटरफ्लाई है, ये शुगर के बने होते हैं, इसको हम खा सकते हैं, तो ये मैंने बीच बीच में लगा दिया ताकि इसकी सुंदरता और बढ़ जाए।
और मैंने एक दिन पहले इसकी बेस बना के रखी थी और दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने इसकी आइसिंग करके फ्रिज में डाल दी, क्योंकि केक हैवी है तो इसको सेट होने में टाइम लगता है। अदरवाइज़ हम हाफ एन आवर और वन आवर के लिए भी डालते हैं तो हमारा केक सेट हो जाता है, पर इसको मैंने 3 से 4 घंटे चिल्ड किया अपने फ्रिज में। जल्द मिलती हूँ आपसे, टिल देन बाय बाय।